सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं। हेलो नमस्कार, मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं ईडी एजुकेशन। इस समय आप देख रहे हैं ये वीडियो लेक्चर सीरीज कोर्स 504 और कोर्स 505 के लिए। तो अभी तक आपने अगर पहले के वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है उन्हें जरूर देख लीजिए। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी लेक्चर्स की लिंक आपको मिल जाएगी, तो जरूर देखें उन्हें। आज इस लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं और कवर करेंगे हमारा अगला टॉपिक जो कि है कोर्स 504 का ब्लॉक 2 का इकाई 8 का। यह टॉपिक है यूनिट 8 का 8.5.5.2 जो 8.5.2 इसका नाम है विचरण के मापक। तो विचरण के मापक को हम यहाँ पर समझ रहे हैं। वेरिएबिलिटी की बात की जा रही है यहाँ पर, उसके क्या मापक होंगे वो जानेंगे। तो विचरण और परिप्रेक्षण के मापक दो प्रकार के यहाँ पर बताए गए हैं वेरिएबिलिटी डिस्पर्शन के। तो पहला बताया गया है दूरी मापक, डिस्टेंस मेजर, और दूसरा बताया गया है एवरेज जो है। तो औसत विचलन और दूरी मापक के दो तरह के मापक यहाँ पर बताए गए हैं, इनको हम समझेंगे बारी बारी से। सबसे पहले दूरी मापक को समझ लीजिए। तो दूरी मापक को समझने के लिए आपको उदाहरण से ज़्यादा समझिएगा, मेरा आपको सजेशन है। यहाँ जो भाषा दी गई है वो आप एज इट इज़ परिभाषा के तौर पर याद रखें, लेकिन कॉन्सेप्ट को यहाँ आप एग्जाम्पल से समझें, क्योंकि मैथ्स है तो ऑब्वियसली बात है अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप उसको डिस्क्राइब तो कर ही सकते हैं। तो दूरी मापक और परिसर की यहाँ दो परिभाषाएं दी गई हैं, इनको आप पढ़िएगा, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पर दूरी मापक आंकड़ों में विचरण का चुनिंदा मापों के बीच की दूरी के पदों में वर्णन करते हैं। यहाँ हम दो ऐसे मापक परिसर तथा अंत चतुर्थक परिसर पर चर्चा करेंगे। तो ऐसे दो चीज़ों पर, मापक परिसर पर और अंतर चतुर्थक इंटर क्वार्टाइल परिसर पर हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ हम देखते हैं यहाँ पर आगे। परिसर की बात की गई है, तो परिसर का मतलब यह है परिकलन तथा समझ दोनों ही विचारों से। परिसर विचरण का सरलतम मापक है, ये आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों का अंतर होता है। तो ये परिसर की परिभाषा है, इसको आप बिल्कुल समझ जाएंगे। नीचे एग्जांपल से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है ये दूरी मापक, डिस्टेंस मेजर और रेंज। बेसिकली परिसर का मतलब होता है रेंज। तो रेंज का क्या है सिस्टम, परिभाषाएं आप एज इट इज याद रखिएगा और इसको उदाहरण से हम समझते हैं। तो उदाहरण में ये बताया गया है दो रेंज दी गई है यहाँ पर। पहली रेंज है 2, 5, 6, 4, 12, 10, 9, 8 की। इसका परिसर यानी कि इसकी रेंज एक तरह से निकाली गई है। तो परिसर इसका जो निकाला गया है वो है 12 - 10 = 10 आया है। तो ये 10 कैसे आया है, देखिए 12 यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या ली गई है जो इस रेंज में है और 2 इसकी सबसे छोटी संख्या है। तो दोनों में अंतर जो है 12 - 2 वो 10 हो गया। तो ये हो गया इसका परिसर यानी कि रेंज एक तरह से हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पर एक और रेंज दी गई है, यहाँ पर एक और अंकों के अंक दिए गए हैं 2, 0, 3, 7, 9। अब इसका परिसर हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ सबसे बड़ा अंक है 9 और सबसे छोटा है 2। तो इस हिसाब से हमने 9 में से 2 जब घटाए तो माइनस प्लस हो गए यहाँ पर और 11 हमको इसका उत्तर प्राप्त होगा है। तो दो तरीके हमने देखे यहाँ पर, अब इसको हम चर्चा करते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो अभी जो तरीके आपने दोनों देखे वो है अन्यन्य परिसर का उदाहरण, इनको कहा जाएगा अन्यन्य परिसर। तो अन्यन्य परिसर की ये परिभाषा है आपने समझ ली, यहाँ पर अन्यन्य परिसर क्या होता है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर एक्सक्लूसिव रेंज बेसिकली जैसे हम बोलते हैं, तो एक्सक्लूसिव रेंज की ये परिभाषा है। अब यहाँ पर सम्मिलित परिसर, इंक्लूसिव रेंज जिसे हम बोलते हैं उसकी परिभाषा समझते हैं। तो जब इंक्लूसिव रेंज के बाद एक्सक्लूसिव जो रेंज है यानी कि माफ कीजिएगा एक्सक्लूसिव जो रेंज है उसके अलावा इंक्लूसिव रेंज यानी कि सम्मिलित परिसर की परिभाषा होगी। जब हम सबसे बड़ा जो अंक है उसके ठीक ऊपर की सीमा का अंक लेते हैं और जो सबसे छोटा अंक है उसकी निचली सीमा के बीच का अंतर लेते हैं तो उसे हम सम्मिलित परिसर कहेंगे। अब सबसे ऊपर की वैल्यू का जो हाई वैल्यू है उसका ऊपर का अंक क्या होगा और नीचे का अंक क्या होगा ये समझिए आप उदाहरण से तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर की जो दोनों उदाहरण दिए गए थे, रेंज दी गई थी आपको, जो अंक दिए गए थे उसमें 12 सबसे बड़ी संख्या थी आपने देखा। अब 12 की जो ठीक ऊपर की सबसे ऊपरी सीमा जो होगी बड़ी वो होगी 12.5। ऐसा क्यों है, 0.5 क्यों हम ले रहे हैं वो आगे अब जानेंगे, फिलहाल अब समझ लीजिए। तो 12 के ठीक ऊपर की सीमा होगी 12.5 और न्यूनतम अंक जो है 2 उसके ठीक नीचे की सीमा होगी 1.5। अब 0.5 इसलिए लिया गया है क्योंकि सोशल साइंस में एक परिभाषा बताई गई है कि प्रत्येक प्रेक्षण जो होता है, हर जो प्रेक्षण होता है वो स्थिर और नियत नहीं होता है अपितु इसे अंक के पहले तथा बाद में 0.5 के एक अंतराल तक फैला हुआ माना गया है।
तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर 0.5 तक आप फैला हुआ माना जाए, इसकी रेंज मानी जाए किसी भी प्रेक्षण की, क्योंकि ये स्थिर नहीं होता है। अतः अंक जो 12 है, 12 का 12 अंतराल जो है वो 11.5 और 12.5 में कोई मान है। तो अंतराल के बिंदु जो है मध्य बिंदु 12 के ठीक ऊपर और निचले मान को निर्धारित इसलिए ये करते हैं। तो बंडल का सम्मिलित परिसर यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है, 12.5 जो हमने माना था 1.5 जो उसमें से घटाएंगे तो 11 हमको यहाँ पर प्राप्त होता है, जबकि इसका परिसर 10 है। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं बंडल का सम्मिलित परिसर 11 हो गया और परिसर जो है इसका सिंपल अनन्य परिसर वो 10 है, तो दोनों अंतर इस वजह से है। तो ये आपने समझ लिया कैसे हम अनन्य परिसर और सम्मिलित परिसर को ज्ञात करते हैं, क्या है इसकी परिभाषा, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं परिसर के बारे में, आगे और बताया गया कि इसके फैलाव से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फैलाव से यहाँ पर ये प्रतिबिंबित नहीं करता है अन्यन। देख परिसर जो चीज़ है यानी कि रेंज जो चीज़ है एक सरलतम तरीका है ज्ञात करने का, अगर हम किसी आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर ये बताया गया है कि यह आंकड़ों के फैलाव तथा विकराव को प्रतिबिंबित नहीं करता, यानी कि उसका कोई असर यहाँ पर देखने इसमें नहीं मिलता है रेंज में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 100 अंक हैं और एक अंक है 1 और 10 के बीच हैं, अगर हम समान रूप से 100 अंकों को बांटें, मतलब कि यदि 100 अंक 1 तथा 10 के बीच एक समान रूप से फैले हों तो सम्मिलित परिसर 10 होगा, लेकिन यदि अंक 1 हो और दूसरा तथा दूसरा अंक 10 हो तो इनके बीच अंक 5 हैं और 98 बार दोहराया गया हो तो भी अंकों का संख्या 100 तथा सम्मिलित परिसर 10 ही रहेगा। तो बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि परिसर विचरण का एक तरीका सही नहीं है, क्योंकि ये किसी भी स्थिति में बदलता नहीं है, अंकों के जो फैलाव को अगर हम चेंज कर देते हैं तो उसमें परिवर्तन नहीं आता क्योंकि आना चाहिए, तो ये एक परफेक्ट तरीका नहीं है मापने का, बेसिकली मेजर्स का। तो ये एक शीघ्र अनुमान लगाने का तरीका है बेसिकली, तो ये बताया गया है इसमें। आगे इसमें अंत चतुर्थक परिसर इन क्वाड्राइड रेंज की बात की गई है, इंटर क्वाड्राइड रेंज की। तो ये अंत चतुर्थक परिसर के बारे में जो बात की गई है वो बेसिकली यहाँ दो चीज़ों की बात की गई है, अंत चतुर्थक परिसर और अर्ध अंत चतुर्थक परिसर। तो ये दोनों की बात की गई है, ये दोनों क्या हैं ये हम समझते हैं, ये भी एक दूरी मापक है, डिस्टेंस मेजर है। तो देखिए पहले तो ये बात आप समझ लीजिए, जो अंत चतुर्थक परिसर है वो इस तरह से परिभाषित कर इनमें बताया गया है, परिभाषित किया गया है कि जो चतुर्थकों का उपयोग जो होता है वो बंटन को 4 बराबर भागों में बांटने में किया जाता है। तो अगर आप एक चीज़ को 4 बराबर भागों में बांटे तो आपने क्वार्टर्स के बारे में सुना होगा, प्रथम फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। तो इस तरह से क्वार्टर मतलब 1/4 हिस्सा, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर 2/4 हो जाते हैं और थर्ड क्वार्टर तीसरा हिस्सा। तो इस तरह से आपने देखा होगा और सुना होगा। तो परिभाषा से प्रथम चतुर्थक कहलाएगा हमारा Q1, वह अंक जो बंटन के नीचे वाले 25% भाग को शेष भाग से अलग करता है, यानी कि 25% हिस्सा बेसिकली, और वह Q2 50% हिस्सा जो उसको अलग करता है, और इसी प्रकार से Q3 जो कि 75% एक तरह से को अलग करता है। तो यह ध्यान दीजिए कि द्वितीय चतुर्थक और माध्यक एक समान, ऑब्वियस सी बात है किसी अगर वैल्यू की बात करें रेंज की तो उसका मध्य का जो बिंदु होगा वो द्वितीय चतुर्थक और माध्यक, हमने समझा था इससे पहले के लेक्चर में, वो समान ही होंगे, मध्य बिंदु जो होगा, और बंटन के निचले 3/4 भाग को ऊपरी 1/4 भाग से अलग करता है Q3। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कैसे किस तरह से बांटा जाता है। अब अंतर चतुर्थक परिसर को ज्ञात करने की यहाँ पर एक तरीका बताया गया है, आप Q3 में से माइनस कर दीजिए Q1, तो आपको ये ज्ञात हो जाएगा अंतर चतुर्थक परिसर। और इसी प्रकार अगर अर्ध अंत चतुर्थक परिसर को हम ज्ञात करना चाहते हैं तो जो अर्ध अंत चतुर्थक परिसर है उसको 2 से विभाजित कर दीजिए, यानी कि Q3 - Q1/2 का ये फॉर्मूला है। तो ये दोनों ज्ञात करने के फॉर्मूले आपने समझ लिए हैं, इनके आधार पर आप कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा पेपर में तो आप करिएगा। एक उदाहरण यहाँ पर नीचे दिया गया है, देखिए यहाँ पर एक रेंज दी गई है 3, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 15। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या किया गया है, जो कुल अंकों की संख्या है वो 8 है, आपने देख लिया कुल अंक यहाँ पर 8 है रेंज में, इसका 25% कितना होगा 8 का 2 होगा इसका 25%, अगर 75% की बात करें तो वो 6 होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका अर्थ ये है कि Q1 एक ऐसा बिंदु है जिसके नीचे पहले 2 अंक हैं, तो 2 अंक यहाँ पर हैं, देखिए 3 और 4 रेंज में आप देखिए,
स्थित होंगे। ऐसा एक बिंदु जो 4 तथा 6 के बीच की दूरी का मध्य बिंदु होगा। तो 4 तथा 6 के बीच की दूरी का जो मध्य बिंदु होगा यहाँ पर वो 5 होगा, हम जानते हैं यहाँ पर। तो इसके इसलिए हम कह सकते हैं कि Q1 यहाँ पर 5 होगा और जो Q3 है वो नीचे 6 अंक स्थित होंगे, यानी कि Q3 के 6 अंक यहाँ पर नीचे स्थित हैं। तो उनके मध्य में जो बिंदु है, देखिए आप 6 से 15 के बीच में यहाँ पर 12 या 12-14 होंगे बेसिकली, एक तरह से मध्य में हम देखें तो यहाँ पर मध्य बिंदु हम 12 और 14 का मध्य बिंदु 13 ले लेंगे, तो ये इसका मध्य बिंदु हो जाएगा नीचे की रेंज पर। तो इनको हमने इस फॉर्मूले में रख दिया Q3 - Q1/2, तो हमें अर्ध अंत चतुर्थक परिसर ज्ञात हो गया है। तो इस तरह से अंत चतुर्थक परिसर और अर्ध अंत चतुर्थक परिसर हम ज्ञात कर सकते हैं। तो फॉर्मूले आपको बिल्कुल क्लियर होते जा रहे होंगे। तो ये यहाँ पर बताया गया है, इसमें ये बताया गया कि दूरी से यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये भी एक सही सटीक तरीका नहीं है ज्ञात करने का, क्योंकि इसमें भी अंकों के प्रभावित होने की संभावना कम हो जाती है जब हम इसमें बढ़ोतरी करते हैं कटौती करते हैं, तो फैलाव का सही अंदाज़ा इसमें नहीं लगा सकते हम, ये इसमें बताया गया। अब आगे बताया गया औसत विचलन के मापक, तो एवरेज की बात अब यहाँ पर आ गई है। एवरेज औसत विचलन जिसे हम कहते हैं और इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम यहाँ पर मेजर्स ऑफ एवरेज डेविएशन बेसिकली, तो ये है एवरेज डेविएशन की बात करेंगे हम यहाँ पर। अब तो यहाँ पर औसत विचलन की बात की जा रही है, तो अगर हम बात करें किसी अंक का एक विचलन माध्य से उसकी दूरी होता है, जब एक ऐसे विचलन के अंकों का औसत लिया जाता है विचरण का मापक अधिक सही तथा विश्वसनीय हो जाता है। हम औसत विचलन के अंकों पर आधारित 2 ऐसे ही मापकों को समझेंगे, एक औसत मापक, औसत विचलन और मानक विचलन। तो यहाँ विचलन के 2 चीज़ों को हम जानेंगे, एक तो होता है औसत विचलन और दूसरा मानक विचलन, इस पर हम बात यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं औसत विचलन को। हम यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर जो प्रैक्टिकली एग्जांपल दिया गया है उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर देखिए ये बात की गई है, देखिए विचलन बताया गया है औसत विचलन। यहाँ पर एग्जांपल में जो बताया गया है विचलन अंक x है यहाँ पर, और माध्य यहाँ पर ज्ञात करने का एक फॉर्मूला बता दिया गया है x - x̅ जो ऊपर लिखा हुआ है। यदि किसी बंटन में यानी किसी डिस्ट्रीब्यूशन में माध्य 50 है, माध्य अगर आप नहीं जानते तो इसके पहले के लेक्चर देखिएगा, माध्य ज्ञात करने का तरीका हमने बताया है उसमें। तो किसी रेंज का मध्य बिंदु आप समझ लीजिए, अगर 50 है किसी अंकों की बीच का बिंदु, तो अंक 55 का विचलन होगा ये, मतलब 55 का विचलन अगर हम पूछे हमसे पूछा जाए तो इस फॉर्मूले में लग के हम निकाल सकते हैं 55 - 50। अगर बंटन में माध्य दिया हुआ है हमको 50 और अंक दिया गया है 55, तो इसका विचलन हमसे पूछा जाता है तो हम कहेंगे 5 इसका आंसर होगा। अंक 45 का विचलन होगा -5, 50 में से घटाया जाएगा तो जो अंक दिया गया है यहाँ पर, तो बिल्कुल आप समझ लीजिए माध्य में से यहाँ पर अंक को घटाया जा रहा है। तो इसी को फॉलो करते हुए यहाँ पर आगे एग्जाम्पल भी दिया गया है। यहाँ पर एक चीज़ और जानने वाली बात यह है कि विचलन के 2 भाग प्लस और माइनस बताए गए हैं चिन्ह जो होते हैं, और अंक माध्य के ऊपर है तो प्लस बताया जाएगा, और माध्य के नीचे जैसा कि हमने ऊपर समझा कि अगर प्लस की वैल्यू है तो उसमें से घटाया गया, नहीं तो हमको जो प्राप्त हुआ है हमारा आंसर विचलन का वो माइनस में प्राप्त हुआ है। तो अंकों से ऑब्वियसली फर्क आता है प्लस माइनस से, तो वो यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए अब आपको एग्जाम्पल से बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये। यहाँ पर देखिए एक रेंज दी गई है यहाँ पर, और 5 अंक दिए गए हैं 5, 8, 11, 12, 14, जिसका माध्य हमको दिया गया है 10 का औसत विचलन हमको ज्ञात करना है। तो ये माध्य दिया गया है और अंक दिए गए हैं हमको, तो इस टेबल में आप देखिए आपको समझ में आएगा अंक दिए गए हैं और विचलन दिया गया है यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर विचलन हम कैसे ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए हमको ये पता है कि हमारा माध्य जो है वो 10 है, यानी कि सेंट्रल जो टेंडेंसी जो मध्य बिंदु है एक तरह से हमने ज्ञात किया था, तो वो 10 है और अंक दिए गए हैं 5। अब हर अंक को मध्य से घटा दीजिए तो हमें हमारा विचलन जो है रेंज हमको मिल जाएगी x - x̅ जो ऊपर दिया हुआ है इस फॉर्मूले से। ये देखिए आप, तो 10 में से 5, 10 में से 8, 11 ये घटा दिए गए हैं, तो ये वैल्यूज़ आ गई हैं यहाँ पर और वो हमें यहाँ पर लिखी हुई हैं साइड में। तो इनका टोटल जब हम करेंगे विचलन का x - x̅ का, तो ये होगा 14 पूरा अंकों का। तो अब यहाँ पर हम फॉर्मूले में रख सकते हैं इसको, जो हमें योग प्राप्त हुआ है विचलन का यहाँ पर रेंज का x - x̅ से वो है 14, और जो संख्या है अंकों की यहाँ पर वो है 5।
तो पांच अंक हैं यहाँ पर रेंज में, आप देख सकते हैं, उससे भाग दे देंगे तो हमें ये आंसर इसका प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम औसत विचलन ज्ञात कर सकते हैं, यही यहाँ पर बताया गया है। आप इसको पढ़िएगा थ्योरी को, वही इसमें समझाया गया है। मेन कॉन्सेप्ट औसत विचलन का ये है, एग्जाम्पल से हमने समझ लिया है। इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाए आपसे आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं वर्गीकृत आंकड़ों के औसत विचलन के बारे में। अब देखिए, वर्गीकृत का मतलब यह है, जो हमने पहले भी समझा है कि रेंज में जब हम डिवाइड कर देते हैं, एक अंतराल में डिवाइड कर देते हैं, वो वर्गीकृत आंकड़े हो जाते हैं। तो ये सारणी यहाँ पर आपको दी गई है। देखिए, वर्ग अंतराल दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, मध्य बिंदु यहाँ पर है, और कुछ चीज़ें हम यहाँ ज्ञात करेंगे और समझेंगे। तो सब पहले टेबल को आप अच्छे से समझिए, यहाँ पर क्या दिया गया। तो वर्ग अंतराल दिया गया है 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, यानी कि 5-5 का अंतराल है हमारा। और फ्रीक्वेंसी दी गई है 3, 9, 15, 8, 5। उसके बाद वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु क्या है। तो देखिए, 30 और 34 के बीच का मध्य बिंदु क्या होगा, 32। 35 और 39 के बीच का मध्य बिंदु होगा 37। इसी प्रकार से 42, 47 और हमने बाकी ज्ञात किया। तो मध्य बिंदु ज्ञात करना है, इसके बीच में मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब यहाँ पर एक्स माइनस एक्स बार निकाला गया है, जो विचलन जिसे हम कहते हैं, रेंज निकाली गई है, जो हमने पहले निकालना सीखा था वो कैसे निकाली गई है, और उसके बाद फिर योग किया गया है उसी विचलन का। आगे देखते हैं आप कैसे किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर n इक्वल टू 40 बताया गया। तो n यानी n जो है, आप फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे यहाँ पर सारे अंकों को, f में जो दिए गए हैं उनका योग होगा 40। तो ये हमारी n हो गई। अब माध्य जो है x बार, यानी कि वो दिया गया है माध्य हमको, जो सेंट्रल वैल्यू है एक तरह से, वो है यहाँ पर 42.38। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी मध्य बिंदु हमको दिया गया है, यहाँ पर माध्य दिया गया है एक तरह से, एक्स बार दिया गया है, और जो उसके बाद ये योग है हमारा एक्स माइनस एक्स बार का, वो 170 आया हुआ है, यहाँ की लास्ट की जो वैल्यूज हैं उसका योग है ये। अब ये आया कैसे है, देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर हमने 42 जो माध्य लिया है, माफ कीजिएगा, जो माध्य लिया है यहाँ पर एक्स बार 42.38, उसमें से यहाँ पर हमने घटाया है 32 को। देखिए, जो वैल्यूज हैं हमारी वो घटाई हैं हमने, एक्स घटाया है उसमें से, क्योंकि एक्स माइनस एक्स बार है आप देख सकते हैं, तो ये यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को घटा दिया है इसमें से, इसलिए हमको ये 10.38, 37 को घटाया है 42.38 में से, तो ये 5.38, 42 को घटाया है तो 0.38, तो ये सब इसमें से घटाए गए हैं, इससे हमको ये वैल्यूज़ एक्स माइनस एक्स बार की प्राप्त हुई है। और बस यहाँ पर फिर हमने उसी के अनुसार इनका योग कर दिया गया है घटाने के बाद, आप देख सकते हैं ये 31 जो है और 48 जो है, इन दोनों को यहाँ पर जोड़ दिया गया है एक तरह से बेसिकली। और यहाँ पर देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात ये है आपको समझना, कि ये फ्रीक्वेंसी जो है एक्स माइनस एक्स बार की, उसका योग यहाँ पर किया गया है बेसिकली। आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 है और इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया गया है किस तरह से ये इसमें से लिए गए हैं, और इसको जोड़कर यहाँ पर हमने 170 यहाँ पर हमने प्राप्त किए हैं। आप देख सकते हैं, इत्मीनान से इसको समझिए थोड़ा सा तो आपको समझ में आएगा, x माइनस एक्स बार करके हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पर प्राप्त की हैं। तो ये हमारा इसमें निकाला है, ऊपर इसको फॉर्मूले में रख दिया गया है, जो टोटल फार्मूला है, टोटल एफ एक्स जोड़ा है हमने x माइनस एक्स बार अपॉन n, n यहाँ पर 40 है, और एफ एक्स का जो टोटल आया है हमारा लास्ट की वैल्यूज़ का, वो 170.32 है, और इससे हमने ये औसत विचलन वर्गीकृत आंकड़ों का प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ पर मानक विचलन के बारे में बात की गई है, तो स्टेप्स आप यहाँ पर पढ़िएगा, मैं यहाँ पर आपको यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन से समझाता हूँ यहाँ पर, जिससे प्रैक्टिकली आपको समझ में आए, बस उन्हीं को यहाँ पर स्टेप बनाकर लिख लिया जाएगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है मानक विचलन का, तो मानक रेंज जिसे बोलेंगे हम एक तरह से, और इसको हम एक साइन दिया गया है, इससे सिग्मा से निरूपित करते हैं, और एस द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ उदाहरण दिया गया है, देखिए एक रेंज दी गई है यहाँ पर 5, 6, 8, 10, 11, 14। अब इसका जो मध्य बिंदु होगा, माध्य होगा एक तरह से 9 होगा, जब आप ज्ञात कर सकते हैं। माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है पहले भी लेक्चर्स में, वो समझिएगा माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, इस पूरे अंकों का मध्य बिंदु होगा 9, मिडिल वैल्यू होगी 9। अब यहाँ पर एक अवर्गीकृत आंकड़ों की टेबल दी गई है, अब इसको समझते हैं इस उदाहरण को। तो देखिए, अंक दिए गए हैं यहाँ पर 5, 6, 8, 10, 11, 14। विचलन दिया गया है, विचलन हम हमेशा जानते हैं कि x इक्वल टू x माइनस x बार होता है विचलन का फॉर्मूला, और
वर्ग विचलन यहाँ पर दिया गया, उसका स्क्वायर कर दिया गया है बेसिकली, जो हमारा विचलन की वैल्यूज हैं सेकंड बॉक्स में उसको दुगना कर दिया गया है, एक्स बार कर दिया गया, एक्स स्क्वायर कर दिया गया है। अब वर्ग विचलनों का योग यहाँ पर किया गया है कि आखिरी के जो वैल्यूज सारी आई हैं उसका टोटल योग यहाँ पर करा गया है 56, तो 56 हमको आ गया है, और जो हमारी कुल संख्या है अंकों की यहाँ पर वो 6 है। देख सकते हैं आप वैल्यूज जो है हमारी अंक वो 6 अंक हैं, तो 6 से यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे इसको, और डिवाइड करने पर हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है 9.33 उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो हमें 3.05 इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये है मानक विचलन जो हमने समझा, किस तरह से आप ज्ञात करेंगे इसकी स्टेप्स को बस आप ऐसे ही डिफाइन कर दीजिएगा, जो वहाँ पर ऊपर लिखी गई हैं पढ़ लीजिएगा, वही यहाँ पर बताई गई हैं ऊपर। अब हम चलते हैं आगे की तरफ एग्जाम्पल में, वर्गीकृत आंकड़ों का मानक विचलन कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमने औसत विचलन को समझा दोनों तरीकों से, अब ये वर्गीकृत आंकड़ों का मानक विचलन हम समझते हैं। तो वर्गीकृत का मतलब जैसे मैं पहले भी समझा चुका हूँ, वर्ग अंतराल होगा, ये एक एग्जाम्पल टेबल देखिए यहाँ पर, वर्ग अंतराल है 30, 34, 35, 39, 40, 44, ये देख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी दी गई है, मध्य बिंदु दिया गया है सेम जैसे ऊपर दिया गया था, विचलन यहाँ पर दिया गया है हमको, और यहाँ पर एफ एक्स दिया गया है, तो ये सारी चीज़ों, और एफ एक्स स्क्वायर है। अब इसको एक एक करके हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो एन यहाँ पर 40 है, फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यूज दी गई हैं उनको आप जोड़ेंगे तो 40, 40 आएगा, जो हमने पहले भी बताया था, और बाकी सारी चीज़ें जैसे कि मध्य बिंदु पहले हमने 42.38 था, तो कैसे यहाँ पर संख्याओं को उसमें से घटाया है हमने और कैसे वैल्यूज़ प्राप्त की हैं वो मैंने आपको पहले समझा दिया है। जो हमारा माध्य आएगा उसमें से हम वैल्यूज़ को घटाएंगे, तो 42.38 में से 32 घटाएंगे तो -10.38, 5.38 ये सब आता जाएगा। तो माध्य हमारा 42.28 है जो हमने पहले ज्ञात किया था, और उसमें से यहाँ पर 32, 37, 42 ये सब घटा के विचरण के प्राप्त किया गया है, और उसका योग यहाँ पर कर दिया गया है। तो ये बेसिकली ये अंतर हमने ज्ञात किया है इसका, एफ एक्स को ज्ञात किया है, और फिर एफ एक्स का ही यहाँ पर स्क्वायर कर दिया गया है। तो ये बिल्कुल आपको यहाँ पर समझ में अच्छे से आ रहा होगा कि कैसे ये चीज़ें की गई हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर जो एफ एक्स का स्क्वायर किया है बस सेम है ऊपर जैसा, बस यहाँ पर एफ एक्स जो है हमारी उसका हमने स्क्वायर कर दिया है और उसको एन से डिवाइड कर दिया है, और उसका स्क्वायर रूट यहाँ पर नीचे किया गया है, देख सकते हैं आप एफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 40 जो हमारी वैल्यूज हैं फ्रीक्वेंसी की उसको यहाँ पर हमने कर दिया है। तो बेसिकली ये हमारा यहाँ पर पूरा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, बस इत्मीनान से इसको समझिएगा, पढ़िएगा, बहुत मुश्किल नहीं है, और ये आपको ज्ञात हो जाएगा। माध्य निकालना आपको आना चाहिए जो हमने पहले के लेक्चर्स में कवर किया है, तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा पढ़िएगा इसको, प्रैक्टिकल है, मैथ्स है, तो आपको बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, और आप आसानी से लिख भी सकते हैं इसकी थ्योरी, बस एक बार पढ़ना होगा आपको। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस यूनिट का, और हमने ख़त्म कर लिया है यूनिट 8, 504 की। तो इस लेक्चर के साथ में अगले लेक्चर से हम यूनिट 9 शुरू करेंगे 504 की। तो फिलहाल अगर लेक्चर्स आपको हेल्पफुल लग रहे हैं, सही लग रहे हैं, तो आप ज़रूर इनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं जुड़े हैं चैनल से सब्सक्राइब कीजिए लेक्चर्स देखने के लिए, तैयारी के लिए, और घंटी के बटन को सभी सभी ज़रूर दबाइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।